बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने किया था कश्मीर फाइल्स का जिक्र, कहा कश्मीर का सच दबाने की कोशिश हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब, कोर्ट की कार्रवाई का लाइव किया गया प्रसारण। भगवान मान के शपथ ग्रहण समारोह से पहले शक्ति प्रदर्शन करेगी आप, 2.57 करोड़ का बजट जारी, लाखों लोग होंगे इकट्ठा। हिजाब पर हाई कोर्ट का फैसला, महबूबा अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी, कहा महिलाओं के अधिकारों का उड़ाया गया मजाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी द कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया उस सत्य को दबाने की कोशिश होती रही है। इन दिनों सिनेमाघरों में चल रही फिल्म कश्मीर फाइल्स की काफी चर्चा है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार और पलायन की त्रासदी को इसमें दिखाया गया। अब इस फिल्म की चर्चा प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सत्य को दबाने की कोशिशें हुई हैं। तो कश्मीर फाइल्स का जिक्र हर ओर देश में किया जा रहा है, कुछ इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी द कश्मीर फाइल फिल्म्स की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया उस सत्य को दबाने की कोशिश की गई। ऐसे बोल सकता है देश, कभी कभी उसमें सत्य में तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया गया जो शैक्षणिक संस्थाओं में इजाजत को लेकर दायर की गई थी। वहीं इससे पहले कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा था जिसको देखने के बाद पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिले थे। हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्र यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले पर अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता के बारे में है। वहीं अमर अब्दुल्ला ने लिखा है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं।
आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है। अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, ये एक मजाक है। पंजाब की दिग्गज पार्टियों को धूल चटाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार 16 मार्च को शपथ लेगी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ स्थित गवर्नर हाउस में नहा होकर भगवंत सिंह के गांव खटकड़ कला में होगा। बता दें कि समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह शानदार हो इसकी जिम्मेदारी पंजाब के आला अधिकारियों ने संभाल रखी है। वहीं भगवंत मान ने सभी लोगों से अपील की है कि वे 16 मार्च को भारी संख्या में खटकड़ कला पहुंचे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पुरुष बसंती पगड़ी और महिलाएं बसंती चादर डालकर आएं। उन्होंने ऐलान किया है कि उस दिन खटकड़ कला को बसंती रंग में रंग दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि वो आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जो पार्टी का महासचिव रहा हो और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य भी हो और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति हो तो एक उचित उत्सव है होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सांसदों के बच्चों को टिकट ना देना पाप है तो मैंने ये पाप किया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी के टिकट कटे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से ये कहा कि वो इसका आंकलन करें कि चुनावों में बीजेपी को कुछ सीटों पर हार का सामना क्यों करना पड़ा। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि आप अपने अपने इलाके में हारे हुए 100-100 बूथों का आंकलन करें और एक रिपोर्ट तैयार करिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों हारे हैं, ताकि उन हार के कारणों का पता लगाया जा सके और आगे ठीक किया जा सके। पीएम ने पार्टी सांसदों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद राजनीति के लिए दूसरी पार्टियां हैं। पीएम मोदी ने इस बैठक में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने को लेकर भी बात कही। साथ ही हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि कश्मीर का सच दबाने की कोशिशें हुई हैं। और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं,
किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दे दिया। इसमें हिजाब को इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। AIMIM नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि IMPLB के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि इस पार्टी की छल कपट की सियासत के चलते राजनीति की शुचिता खतरे में पड़ गई है। अखिलेश ने लखनऊ में आरोप लगाया कि राजनीति की शुचिता भाजपाई छल की राजनीति के चलते संकट में पड़ गई। उन्होंने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के जो मूल्य थे वो नेपथ्य में चले गए हैं। लोकतंत्र का मूलाधार खतरे में है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी की भय भ्रम की राजनीति की शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तमाम सहयोगियों और समर्थकों के साथ नई ऊर्जा, प्रगतिशील सोच के साथ भविष्य की रणनीति बनाकर संघर्ष करती रहेगी। अखिलेश ने कहा कि राष्ट्र राज्य को दिशा निर्देशन देने वाले संविधान की सुरक्षा में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र भूमिका आवश्यक है। चुनाव में लोकतंत्र और संविधान की परीक्षा होती है। वहीं यूपी के पीलीभीत में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद घटनाओं ने जोर पकड़ लिया है। लगातार जनपद में लूट और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला नूरिया थाना इलाके का है, जहां सुबह कूड़ा डालने गई विवाहिता महिला का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल मामला थाना नूरिया इलाके के रूरा रामनगर गांव का, जहां 28 वर्षीय जसोदा पत्नी सूरजपाल सुबह 5 बजे घर से महज 300 मीटर की दूरी पर कूड़ा डालने घर से निकली थी, जहां काफी देर तक वापस लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। वहीं परिजनों को महिला का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद
परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि महिला के पति सूरजपाल का गांव के ही किरण प्रसाद पुत्र राम अवतार से गन्ने की पर्ची को लेकर करीब 35,000 रुपए का लेन देन था, जो कि पिछले वर्ष का बताया जा रहा है। इसी को लेकर पूर्व में भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था। परिजनों ने अब हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने का आरोप किरण प्रसाद और उसके परिजनों पर लगाया है। इन दिनों कोतवाली तालबेहट क्षेत्र में आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में खेत की रखवाली करने गए 50 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पिताजी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से जिस खेत की वो रखवाली कर रहे थे, उस खेत का मालिक सहित कई लोगों का वहाँ रोज आना जाना होता था। वहाँ पर आए दिन शराब की पार्टियाँ होती थी। आखिर 14 मार्च की रात ऐसी क्या घटना घटी कि मेरे पिताजी की वहां किसी ने हत्या कर उनका शव रस्सी के सहारे लटका दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मृतक के पुत्र पान सिंह, जो कि एक फौजी हैं, उसने भी अपने पिता की हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि वहां से हालात संदिग्ध हैं। उसने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे पिताजी को किसी ने रस्सी से लटका के मार दिया है, क्योंकि ना ही मेरे किसी से उनका डिप्रेशन था, ना ही कुछ हुआ, ना किसी का झगड़ा हुआ। इनका रात को जिसके यहाँ पर खेती करते थे उनके आके वहाँ पर रात को पड़ी हुई और रात को किसी ने उनको लटका के मार दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ताज नगरी के युवाओं में योगी और मोदी के प्रति दीवानगी देखने को मिल रही है। आगरा के युवा, चाहे वो हिंदू समाज से हो या फिर मुस्लिम, ज्यादातर अपने शरीर पर योगी और बुलडोजर का टैटू बनवाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बता दें कि चुनावों में बुलडोजर काफी चर्चा का विषय रहा था। पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसके कारण बुलडोजर काफी चर्चा का विषय रहा। हालात ये हो गए कि चुनाव के समय योगी की सभा में बुलडोजर खड़े होने लगे और अब उन बुलडोजरों का युवाओं में काफी क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। आगरा के युवा अपने शरीर पर बुलडोजर के टैटू बनवा रहे हैं। बात करें मुस्लिम समाज के युवाओं की, तो सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम युवा बुलडोजर और योगी के फोटो का टैटू अपने शरीर पर गुदवा रहे हैं। मुस्लिम युवा दानिश खान ने बताया कि जो काम पिछले 5 सालों में योगी जी ने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया है। पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं चालू की गई वो सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, जिसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिला है। उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो जेल में या फिर बाहर है, अपराध समाप्त हुआ है। 3 तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को फायदा मिला है। पिछली सरकार मुस्लिमों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती थी। मैंने बुलडोजर का टैटू बनवाया है जिसमें नीचे लिखा हुआ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश मेरा। तो बुलडोजर जो है विकास का प्रतीक है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश इसका स्लोगन ये है कि आप पिछले 5 साल में देख चुके हैं, खुद ही आपके अंदाजे में है कि कितना हमारा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। तो आपने योगी जी से प्रभावित होकर मोदी जी से प्रभावित होकर टैटू, योगी मोदी से और कार्यशैली से दोनों चीज़ों से प्रभावित होकर ये टैटू बनवाया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो गुंडा राज यूपी पे भारी था, आज वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। गुंडे या तो जेल में या वरना रेल में उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और मुस्लिम समाज में फासला देखने को मिला। तो फासला सिर्फ दर्शाया जाता है, अगर आप टिप्पणियों और शिरडी में जाकर उसको तलाशें तो फासला कहीं भी नहीं है। योगी सरकार का जितना फायदा कोई और वर्ग उठा रहा है तो उससे साथ साथ मुस्लिम वर्ग भी उतना फायदा उठा रहा है। ये मैंने बुलडोजर का टैटू इसलिए बनवाने आया हूँ यहाँ पर, जो पहले 5 साल मैंने देखा था योगी जी ने जो काम किया है 5 साल में, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेरा काम है, व्यापार है, मेरा चांदी का व्यापार है। पहले आए दिन लूट होती रहती थी, आए दिन गोली पड़ती रहती थी, इसको इस वजह को देखते हुए आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरा व्यापार लाइन बिल्कुल साफ है और मैं इसी वजह से खुश हुआ हूँ। जो योगी जी का काम देखा है मैंने 5 साल, उसको काम को देखते हुए मैं आज यहाँ पर टैटू बनवाने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे साथ के जो लड़के हैं, जो नए युवा की पीढ़ी है, वो बिल्डोजर का टैटू बनवाने आई है यहाँ। यही जी देख के मैं खुश हुआ हूँ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पद छोड़ दें और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं है
तो कल्पना लोक में जी रहे हैं। सिब्बल ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी के बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया उनके विचारों को सुने। अगर आप चाहें तो हमारे जैसे बहुत से नेता जो सीडब्ल्यूसी में नहीं है लेकिन कांग्रेस में एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है, क्या इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सीडब्ल्यूसी में नहीं है? देश भर में बहुत सारे कांग्रेसी हैं, केरल से, असम से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, जो उस दृष्टिकोण को नहीं रखते। औरैया में होली के मौके पर दो युवती घर की रंगाई को लेकर मिट्टी खोदने के लिए टीले पर गई थी, जहां मिट्टी की खुदाई के दौरान टीला ढह गया, जिसके चलते दोनों युवती मलबे में दब गई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों किशोरियों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों युवतियों को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये कितने बजे का मामला है? ये लगभग बताया गया 6 बजे के लपेटा बताओगे, मुझे पता चला तो जीसीबी लेके उधर से हम आए, तब तक इनने बिटियाँ काट ली, भी आए कसू साहब भी आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग आए। तो क्या हुआ है, मामला क्या है? अब मामला बिटियाँ मट्टी पीड़ा खोदने गई तो बाड़ी फिसक गई तो दब गई उसमें। उसके साथ मामला हुआ, वो जो है साइकिल से जो है वो मिट्टी खोदने गई थी घर लीपने के लिए, तो वहीं पे जो है खोज रही थी, उसी टाइम जो है एकदम से पहाड़ी फसली, दोनों बेटी दब गई थी। कौन कौन दब गया? एक सरस्वती और दूसरी थी संध्या। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग के पास सड़क पोकलैंड अचानक पलट गया, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, जिसके बाद जेसीबी मशीन से पोकलैंड को उठाकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया, जिससे यातायात सुचारू हो पाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।